फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को ईद मुबारक। और इस ईद के दिन सभी लोगों को खुशियां मिली है कि देश में डोमेस्टिक फ्लाइटें स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि वैसे तो डोमेस्टिक फ्लाइटें स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन ये सफ़र इतना भी आसान नहीं रहने वाला। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर केंद्र सरकार के ये बोलने के बाद कि डोमेस्टिक फ्लाइटों में यात्रियों के क्वारंटाइन की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, इसके बावजूद भी देश के कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर यात्रियों के क्वारंटाइन को लेकर अपने अपने नियम बना रहे हैं। हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर यदि आप डोमेस्टिक फ्लाइटों से ट्रैवल करते हैं तो आपको क्वारंटाइन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो ध्यान से देखें कि कौन कौन से राज्य में आने पर आपका क्वारंटाइन हो सकता है। तो आपको बता दें कि ये 11 स्टेट्स के नाम हैं जो क्वारंटाइन कर सकते हैं। पहला है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, कर्नाटक, आसाम, छत्तीसगढ़, मेघालय, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जो भी पैसेंजर्स इन राज्यों में ट्रैवल कर रहे हैं उन राज्यों में उनका क्वारंटाइन किया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो यात्री एक या दो दिन के लिए काम के सिलसिले से किसी दूसरे स्टेट्स में ट्रैवल करते हैं तो क्या इनको भी क्वारंटाइन में रखा जाएगा, ये कहीं से भी सेंस नहीं बनता। आपको बताना चाहेंगे कि ये बात खुद सिविल एविएशन के मिनिस्टर ने राज्यों को बताई, जिनका जवाब किसी भी राज्य के पास नहीं था। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों को भी खास निर्देश दिए गए हैं कि वे कस्टमर से उनके और ज़्यादा रिकॉर्ड मेंटेन करें, जिससे कि उनके स्टेट्स और बाकी डिटेल्स उन राज्यों को भेजे जिस राज्य में पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, ताकि वो राज्य पूरे तरीके से तैयार रहें कि कितने पैसेंजर कौन कौन से राज्य से उनके राज्य में आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि देश का मुंबई एयरपोर्ट, जहां पर शुरुआत में 25 फ्लाइटों की बात हो रही थी, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट देश का दूसरा सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, तो अब यहाँ पर 25 फ्लाइटों की जगह 45 फ्लाइटें ऑपरेट करने का फैसला लिया जा चुका है, यानी कि अब पहले से ज़्यादा फ्लाइटें यहाँ पर उड़ेंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, कई एयरपोर्ट जैसे कि कोलकाता, बागडोगरा, तेलंगाना, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा जैसे एयरपोर्ट से अभी भी फ्लाइटें शुरू नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ से फ्लाइटें ऑपरेट होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी डोमेस्टिक फ्लाइटों से लेकर एक ज़रूरी जानकारी जो आप तक शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।